राजस्थान के चुनावी चौसर में कांग्रेस ने एक युवा चेहरे पर दाव खेला है। जयपुर की हॉट सीट जोटवाड़ा अभिषेक चौधरी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष। अभिषेक ऐसी सीट पर उतारा गया है जहां पर चुनौती है, भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन 2018 में सेंध लगाई थी, सेंध लगाना आसान है, क्या मानते हैं 2024 के चुनाव में? इस चुनौती को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं और बड़े उत्साह के साथ इसका जवाब देंगे। राज्यवर्धन राठौड़ है, केंद्रीय मंत्री है और जयपुर ग्रामीण से सांसद भी रहे हैं, केंद्र वर्तमान में सांसद भी है, ऐसे में क्या लगता है कि आपकी सीधी टक्कर है या बीच में आशु सिंह सुरपुरा, क्योंकि जो बीजेपी से बागी हुए हैं, उनका भी रोल रहेगा? देखो, हमारी तो एक लंबी लाइन खींचने की आदत है, जो हम हमारी लंबी लाइन खींचने में लगे हुए हैं। ये तो टक्कर अभी इनकी आपस में ही चल रही है, तो एक बार ये आपस में टक्कर लें और फिर तय कर लें कि भाई अब हम में से ज्यादा टकराने वाला कौन है, फिर जो ज्यादा टकराने वाला होगा उससे फिर हम टकरा लेंगे। आपकी थोड़ी असमंजस में, क्योंकि जहां से आपने टिकट मांगा था वहां से मिला नहीं और अचानक जोटवाड़ा से नाम आ गया। देखिए, मैं राजनीति किसी निजी हित या निजी स्वार्थ के भाव से तो कर नहीं रहा, मैं सेवा के को माध्यम मानकर राजनीति कर रहा हूँ। मैं वहां गया था तो वहां भी सेवा का भाव मन में लेकर गया था। अब जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की इच्छा हुई, जोटवाड़ा के राजा झारखंड महादेव की इच्छा हुई कि ये सेवा का भाव यहाँ जोटवाड़ा में प्रकट होना चाहिए, तो यहाँ हाजिर हो गए। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जोटवाड़ा राजस्थान की एक ऐसी विधानसभा है जहाँ आज की तारीख में सबसे ज्यादा नौजवान आबादी है। वो नौजवान आबादी अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए एक मजबूत नेतृत्व की तलाश में है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि वो मजबूत नेतृत्व उन्हें हम दें, उन नौजवानों की ऊर्जा का कैसे सही सदुपयोग कर समाज के ताने बाने को मजबूत करें, उनकी ऊर्जा से कैसे हम जोटवाड़ा को मजबूत करें, जयपुर को मजबूत करें, प्रदेश का और देश का भविष्य सुनिश्चित करें, ये हमारे प्रथम दृष्टया प्रयास रहेंगे। जुंजारू युवा नेता हो, जोश भरते हुए हमें, लेकिन आज की सभा में लगा कि कहीं ना कहीं अभिषेक चौधरी का जोश है वो कहीं ना कहीं थोड़ा खामोश दिख रहा है, क्या वजह माने? देखिए, कोई भी बात जब अपन करते हैं तो उस बात का एक कारण होता है, एक आधार होता है कि हम वो बात कर रहे हैं उसके पीछे हमारा भाव क्या है। आज मैं मेरे अपनों के साथ बैठा था, ये मेरे अपने जो मुझे आशीर्वाद देने, जो मेरे प्रति अपना प्रेम भाव बताने बड़ी संख्या में बिना मेरे किसी बड़े बुलावे के आज यहाँ आए, तो मैं इनके इस प्रेम के सामने, इनके इस आशीर्वाद के सामने बहुत ज्यादा गदगद था और बड़ी विनम्रता से मैंने मेरी बात मेरे नौजवान साथियों के साथ में, पिता तुल्य बुजुर्गों के साथ में साझा करी। लालचंद जी कटारिया से बातचीत हुई, आशीर्वाद लिया? लालचंद जी कटारिया के आशीर्वाद के बिना संभव है कि अभिषेक प्रत्याशी बन जाए, उनके आशीर्वाद के साथ ही अभिषेक प्रत्याशी बनाए। मतलब उनकी तरफ से नाम दिया गया था कि अभिषेक चौधरी, उनकी तरफ से नाम दिया गया या नहीं दिया गया इसका जवाब तो वो बेहतर दे सकेंगे, लेकिन उनकी तरफ से नाम पर एनओसी दी गई है, इस बात के लिए मैं आश्वस्त हूँ। मंच पर नहीं दिखे अभी, वर्तमान समय में जयपुर में है नहीं, जयपुर से बाहर है, और आप अपने तमाम जो लोग आपको मंच पर दिख रहे थे ये भी सब लोग उन्हीं से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, और यहाँ बैठे थे तो उनकी मर्जी से बैठे थे। आज जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ लंबे समय से कटारिया साहब का परिवार लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों के मन में इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति एक सम्मान का भाव है, तो वो लोग बिना उनकी इजाजत के, बिना उनकी मर्जी के उनको ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम कभी नहीं कर सकते। बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लालचंद कटारिया का टिकट काट कर आपको दिया गया, हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उस वजह से आपका दाव खेला गया। देखिए, टिकट काटना जो शब्द आपने इस्तेमाल किया ये बड़ा ही गलत शब्द है। आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब का, इनके जैसे विकास पुरुष का टिकट काटने के बारे में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं सोच सकती, ऐसा कभी विचार ही नहीं कर सकती। आदरणीय कटारिया साहब ने खुद ने ये निर्णय लिया, अपने जिन भी कारणों से उन्होंने ये निर्णय लिया, तो उसके बाद में आप अचंभा करिए कि कल रात को
8-9 बजे तक कांग्रेस का नेतृत्व इस इंतजार में था, इस उम्मीद में था कि आदरणीय कटारिया साहब को हम मनाएंगे, आदरणीय कटारिया साहब हमारी बात मानेंगे और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन उनकी इच्छा कुछ और थी। तो फिर पार्टी ने अपने अग्रिम संगठन को मौका दिया, नौजवानों को एक चुनौती दी, सड़कों पर आवाज मजबूत करने की, कुछ नया खोज कर निकालने की, कुछ नया रोमांच पैदा करने की। नहीं, कोई तो कह रहे हैं कि यहाँ पर लालचंद कटारिया का विधानसभा में बहुत विरोध था और उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं खतरा है और उसके लिहाज से उन्होंने आपको आगे किया हो। देखिए साहब, जो परिस्थितियां आज की तारीख में झोंटवाड़ा विधानसभा की बनी हुई है, उन परिस्थितियों में अगर आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब अपना नामांकन भर देते और प्रचार करने भी नहीं जाते तो भी चुनाव जीतते, लालचंद ब्रांड है तो भी चुनाव जीतते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कोई इस तरह की ना कोई बात है, ना इस तरह की कोई चर्चा है। लोग बड़े दिल खोल कर अपने महबूब नेता का यहाँ सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। क्या रिजल्ट देख रहे हो झोटवाड़ा विधानसभा? बड़ा रोमांचक रिजल्ट देख रहे हैं और ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ये बड़े बड़े दावे करने वाले जो लोग हैं, ये लोग मुखी खाएंगे झोटवाड़ा विधानसभा में के चुनाव में इस बार, और इनकी हिम्मत नहीं होगी वापस इस तरफ नजर करने की, इस तरफ आंख करने की। आपको लगता है कि भाजपा की बगावत का आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि वहां पर कई चेहरे हैं जो लग रहे हैं लाइन में? देखो, हम भाजपा की बगावत में फायदा ढूंढने वाले लोग नहीं है, हम खुद की लाइन लंबी करने वाले लोग हैं। अभिषेक चौधरी, हम अभिषेक चौधरी, हमारा प्रयास यही है कि हम हमारी खुद की लाइन को कैसे लंबी करें। और रही भाजपा की बात, तो उनकी स्थिति अकेले झोंटवाड़ा में ऐसी नहीं है, उनकी स्थिति पूरे प्रदेश में ऐसी है, पूरे प्रदेश में उनकी स्थिति ऐसी है। वो हर जिले में जगह जगह मुख्यमंत्री तैयार हो रखे हैं, हर जिले में जगह जगह नए समीकरण बन रहे हैं, जगह जगह टिकटों की लड़ाइयां लड़ी जा रही है। एक आम साधारण आदमी इस तरह की बात करता था कि अगर वसुंधरा जी को भारतीय जनता पार्टी तरजीह देगी तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक रहेगी, आम आदमी के जबान पर ये बात थी। इसके बावजूद इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया के साथ में जो बर्ताव किया, उससे आप सब लोग भली भांति वाकिफ हैं। क्योंकि राज्यवर्धन राठौड़ का भी यहाँ पर बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब जयपुर ग्रामीण सांसद है और जयपुर ग्रामीण सांसद रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं करवाया, उसको लेकर भी जनता में काफी निराशा है कि इस बार तो उनको भी नहीं निकलने देंगे। मैं पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी सच्ची बात अपने कैमरे, जनता का कहना है, अपनी माइक पर जनता का कहना है, जनता की बात आपने कही कि माननीय सांसद महोदय ने कुछ नहीं करवाया है। देखिए, अभिषेक चौधरी जो कि झोटवाड़ा से प्रत्याशी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में उनकी जीत है, क्योंकि वो सरकार के काम काज को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हालांकि नाराजगी को बात को उन्होंने नकारा है कि सब एक है, कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर ही वो चुनाव में उतरेगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।